नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो, वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो टेलीग्राम की चैनल है मेरी, उसमें जाके ये प्रोजेक्ट फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप नोट वीडियो एप्लीकेशन में खुद का स्टेटस बना सकते हो, उसको चेंज करके आप रील्स बना सकते हो। तो दोस्तों, अभी अपने ये जो वीडियो है वो चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है VIP एडिटिंग चैनल, लिखना है VIP एडिटिंग। लिखोगे तो यहाँ पर जो VIP एडिटिंग चैनल आ जाएगी, तो उसके अंदर आपको चले जाना है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट फाइल का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। बाद में प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़काइवर एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़काइवर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद ज़काइवर एप्लीकेशन खोल लेनी है। तो दोस्तों, आपने जिस भी फोल्डर में ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड की हो वो फोल्डर आपको खोल लेना है। फोल्डर खोलने के बाद आपके पास एक ऐसी फाइल होगी जो RAR फाइल है, 10.7 RAR करके होगी, तो उस पर क्लिक कर लेना है और एक्स्ट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, एक्स्ट्रैक्ट हियर पर आप क्लिक कर लोगे तो सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर बीच बीच में जो पासवर्ड डाला गया है वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। तो दोस्तों, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके कर दूँगा। तो दोस्तों, ओके होने के बाद यहाँ पे ये जो RAR फाइल जो है ZIP फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना होने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको जो मेन एप्लीकेशन है नोट वीडियो एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लेनी है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नोट वीडियो एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। नोट वीडियो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे लॉट प्रोजेक्ट ZIP करके लिखा है उस पर क्लिक कर लेना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको माय फाइल्स में जाना है, इंटरनल स्टोरेज में जाना है। बाद में आपने जिस भी फोल्डर में प्रोजेक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट की हो वो फोल्डर खोल लेना है और ZIP फाइल आपको ले लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे ZIP फाइल अपने ले लेंगे, तो ZIP फाइल यहाँ पर लोड होके यहाँ ऊपर आ जाएगी सबसे पहले। तो दोस्तों, ZIP फाइल आपको यहाँ पर आने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट फाइल खोल लेनी है। तो प्रोजेक्ट फाइल नोट वीडियो एप्लीकेशन में यहाँ पे मैंने खोल ली है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ग्रुप पे क्लिक कर लेना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो यहाँ फ़ोटो दिए गए हैं नाम के साथ, तो आप वो फ़ोटो को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ सॉन्ग भी दिया गया है, तो पहले तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ये सॉन्ग मैंने डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, बाद में मैं यहाँ से वीडियो के आगे आऊँगा, इस तरह यहाँ पे आगे आऊँगा। आगे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हो ये दो फ़ोटो दशामा के दिए हुए हैं, तो उसको मैंने यहाँ नाम लिखा है दशामा 2 करके, और यहाँ पे है दशामा खाली लिखा है। तो दोस्तों, आप अगर फ़ोटो चेंज करना चाहते हो, कोई भी आप फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो एक फ़ोटो मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो फ़ोटो चेंज करना है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये 3 लाइनिंग पर क्लिक करना है, बाद में यहाँ रिप्लेस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिप्लेस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बाद में आपको ये 3 लाइनिंग पर क्लिक करना है, ये 3 जो लाइनिंग दिख रही है वहाँ पर क्लिक करेंगे। बाद में आपको यहाँ इमेज पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, इमेज पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर होंगे सभी फोल्डर यहाँ आ जाएंगे। तो आपको आपके पास कोई भी PNG फ़ोटो हो या फिर कोई कटिंग किया हुआ आपका फ़ोटो हो
वो आपको ले लेना है PNG फ़ोटो। तो यहाँ से मैं कोई भी एक PNG फ़ोटो आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो फ़ोटो मैं ले रहा हूँ, तो ये फ़ोटो मैंने ले लिया है। तो दोस्तों इतना होने के बाद यहाँ पे फ़ोटो चेंज होके आ गया है, वो देखने के लिए अपने यहाँ से वीडियो के आगे जाएंगे, इस तरफ आगे जाएंगे जहाँ फ़ोटो आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ फ़ोटो हमारा चेंज होके आ गया है। अभी दोस्तों इस फ़ोटो को आप सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इस फ़ोटो को अपने बड़ा करेंगे, इस तरह ये फ़ोटो बड़ा होगा, यहाँ पे छोटा बड़ा, इसको नीचे करेंगे तो छोटा होगा, ऊपर करोगे तो बड़ा हो जाएगा। बाद में दोस्तों इसकी मदद से आप इसको फ़ोटो को ऊपर नीचे इस तरह कर सकते हो। बाद में इसकी मदद से दोस्तों आप फ़ोटो को आजू बाजू कर सकते हो इस तरह, और दोस्तों यहाँ पे इसकी मदद से आप फ़ोटो को आगे पीछे इस तरह कर सकते हो। इतना होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये वीडियो अभी सेव करना है, यानी वीडियो सेव करने के लिए आपको ये जो आइकन है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन 1080p रखना है, 60 FPS ये कर देना है, और यहाँ पे आपको क्वालिटी वेरी हाई कर देनी है। इतना होने के बाद एक ग्रीन बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रोसेस होगी, ये वाली जो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।